नमस्कार, आज प्रकाश में आपका स्वागत है। मैं हूं साजन शर्मा। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर एक में, जाने अपना प्रत्याशी कार्यक्रम के तहत। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वार्ड नंबर एक से श्रीमती मंजीत कौर खड़ी हैं और उनके पति सरपंच हुकमचंद हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह के मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से किस तरह से अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा यहाँ गाँव का है वो लालगिर का है। जो लाल डोरे से बाहर माने मकान है, हर समय तलवार लटकी रहती है, तोड़ने के ऑर्डर हो जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं। तो हमने जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा लाल डोरे के बाहर बने मकान है, क्योंकि पहले क्या था कि कम परिवार होने के बाद में जब बच्चों की शादी होती है तो परिवार बढ़ जाता है, तो जगह तो लाल डोरे की उतनी है, लाल डोरा कभी बढ़ा ही नहीं है। तो बंदा लाल डोरे के बाहर ही मकान बनाएगा ना जी, अपनी ज़मीन में। हम लाल डोरे के बाहर अगर अपनी ज़मीनें बना रहे हैं तो उसमें प्रशासन को इतराज होता है कि अपने मकान क्यों बना रहे हो। तो इस करके जो है मेरी ये सभी से इनको मैं गुजारिश करी है कि लाल डोरे के बाहर जितने भी मकान बने हैं ना कोई तोड़ा जाएगा और सभी को रेगुलराइज किया जाएगा और बिजली पानी की जो मुहैया जो इनके कनेक्शन है वो रुके हुए हैं। बिजली और पानी का कनेक्शन वो 2 महीने के अंदर अंदर हम चाहे इनके स्टार्ट करवा देंगे। घर घर जो है जल नल का जो है वो हम स्टार्ट करा देंगे। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है स्टेडियम की जगह तो है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ कैचमेंट करके बनने नहीं देते। सबसे बड़ा मुद्दा हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी कैचमेंट है। अगर गवर्नर हाउस पे कैचमेंट नहीं है तो हमारे ऊपर जो क्यों कैचमेंट है यहाँ हमारे यहाँ इनके कैचमेंट का क्या नाम है पंगा डालते भी आप क्यों मकान बना रहे हो। गवर्नर हाउस में बिल्डिंगें बन रही है, वो अभी देखो अभी नई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ के लिए कैचमेंट नहीं है, सिर्फ हमारे लिए कैचमेंट है, गरीब आदमी के लिए कैचमेंट है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, कम्युनिटी सेंटर की प्रॉब्लम है। यहाँ क्या है कि अगर शादी वगैरह करनी होती है तो कम्युनिटी सेंटर जो है कोई नहीं है। एक गरीब आदमी या अमीर आदमी को शादी करनी पड़ती है तो जीरकपुर जाना पड़ता है या फिर मुल्लापुर से आगे जाना पड़ता है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। रिश्तेदारों को लेके जाओ, बस में लेके जाओ, बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस करके जो कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा है वो मेरा सबसे अहम मुद्दा है। कम्युनिटी सेंटर हो गया और जो टॉयलेट बने हुए हैं ये पुराने टाइम के बने हुए हैं। इन जो टॉयलेट को आप जो नया जो गांव शहर में बने हुए शहर के हिसाब से जो बनाए जाएंगे। और जो मुद्दा लाल गिर का है वो पहल के आधार पर संसद में, हमें भी मालूम संसद में पास होगा, तो हमारी शहर की जो सांसद है वो भाजपा की है और सेंटर में सरकार मोदी सरकार है। इस करके जल्द से जल्द जो ये मुद्दा है ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि हमारे गृह राज्य मंत्री ने आज वादा किया है कल कि मैं हर 6 महीने बाद चंडीगढ़ आऊँगा और चंडीगढ़ के लोगों से मिलूंगा और चंडीगढ़ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो इस करके हमने जो है उन्होंने जो विश्वास दिलाया है मैंने उसी तरह गांव वालों को विश्वास दिला दिया। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में भी हमने बकायदा जो जो डिमांड है ये कम्युनिटी सेंटर की, खेल के मैदान की और लाल डोरे की। और सबसे बड़ी बात मेरे यहाँ लाहौरा कॉलोनी है, मेरे वार्ड के अंदर ही पड़ती है कॉलोनी नंबर 1 और कॉलोनी नंबर 2। वहाँ जो मकान है उनको मालिकाना हक नहीं मिला हुआ, तो मेरा ये जो है ये भी सेंटर से पास होगा। जो होगा मालिकाना हक का जो प्रॉब्लम है वो पहल के आधार पर जो है उन्हें हम कराएंगे, क्योंकि सेंटर में सरकार भाजपा की है, एमपी भाजपा की है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मेयर जो बनेगा वो भी भाजपा का बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे साथ मेरे सहयोगी गांव कैमड़ा से श्री राम जी है, पाला राम जी है, बलवीर बिल्ला जी है, सरपंच सोनू जी है, मेरे मंडल प्रधान है गुरमीत जी, और भी मेरे साथ पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। गांव कैमड़ा गांव खुड्डाली से मेरे साथ पूरा खड़ा है। आप ये देखो गांव खुड्डाली से में कांग्रेस का ऑफिस भी नहीं खुला। मेरे गांव वालों से इतना प्यार है मेरे को, लोगों ने दुकान किराए पे नहीं दी, वो कहते जब हमें 20,000 रुपये किराए पे दे दो। कांग्रेस वालों ने जोर लगा लिया, मनीष बंसल ने जोर लगा लिया, किसी बंदे ने एक ऑफिस के लिए जगह नहीं दी। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ गांव खुटाली शेर वालों का कि गांव यानी कि गांव में जो कांग्रेस का ऑफिस नहीं खुला। और पूरा समर्थन मेरे को गाँव खुटाली शेर से मिला हुआ है, गाँव कैमाला से मिला हुआ है, खुटा लाहौरा से मिला हुआ है, खुटा कॉलोनी से खुटा यसू से मिला हुआ है और बाकी लाहौरा कॉलोनी से मिला हुआ है। मेरे को बड़ा प्यार है लोगों का और मैं ये जो प्यार उन्होंने मेरे पर विश्वास किया है ये मैं जिंदगी भर, आपने 5 साल में एक बार बटन दबाना है, मैं आपकी 5 साल सेवा करनी है। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमारे साथ थे सरपंच हुकमचंद,
जो बता रहे थे कि उनको सारे गांव का पूर्ण समर्थन है और सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं। कांग्रेस को तो यहां पे दफ्तर खोलने तक का जो है उन्होंने मौका नहीं दिया। अर्थ प्रकाश के लिए साजन शर्मा, गांव कैमवाला से। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।